हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैशाली मुलानी। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नया वीडियो आप सबसे पहले देख सके। आज मैं बनाने वाली हूं अड़दिया। अड़दिया ये ठंडी के मौसम में खाया जाता है। ये बनाना बहुत आसान है। आज हम देखिए हम कैसे बनाएंगे। इसमें हमने लिया है बादाम के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये काजू के हैं। ये है अड़दिया का मसाला, ये बाजार में मिलता है। ये गूंद है। ये द्राक्ष है, ये हमने दूध लिया है। एक कोकोनट है। घी है, वो देसी है। और ये शुगर है। ये मावा है। ये उड़द का कुरकुरा आटा लिया है हमने, देखिए। और इसमें हम दूध और थोड़ा सा घी मिलाएंगे। अब हम इस आटे को इसे दबाकर 20 से 15 मिनट तक रखेंगे। सबसे पहले हम घी गरम करने के लिए रख दें। हमारा घी गरम हो गया है, हम गूंद डालेंगे और फ्राई करेंगे। अब हम इसमें लोट डालेंगे और सेकेंगे।
खासकर इसको ठंडी की मौसम में खाना पसंद करते हैं और ये कमर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारा ब्राउन कलर का हो रहा है और अभी हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। अब हम इसमें मावा डालेंगे। अब हमारा मावा सीक गया है, इसमें हम गुड़ डालेंगे। द्राक्ष डालेंगे, काजू डालेंगे, ये बादाम डालेंगे और एक कोकोनट डालेंगे और हमारा गैस हम बंद कर देंगे। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे, सास नहीं करेंगे। ये हमने 2 कप चीनी ली है तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। इसके लिए हमें 2 तार की चटनी चाहिए, ऐसे तार बनना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये मसाला भी डाल देंगे।
हमारा आड़तिया बनकर तैयार हो गया है। आप घर पे बनाइए, खाइए और आपके अनुभव हमारे चैनल में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नया वीडियो आप सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।